अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबू बकर शमशाद और आप देख रहे हैं अबू बकर का शो। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं आप लोगों के लिए टोयोटा क्रोला 1.6 अल्टिस का रिव्यू करने वाला हूं, तो देखते रहिए मेरी वीडियो लास्ट तक ताकि आप लोगों को इसके स्पेक्स एंड फीचर्स के बारे में मालूम हो सके। एंड इफ़ आई मिस समथिंग तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। इंटीरियर की तरफ से स्टार्ट करते हैं एंड आई विल शो यू द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो हमारे पास स्टेयरिंग व्हील में हमारे पास काफ़ी कुछ मौजूद है यार। सबसे पहले तो हमारी नज़र पड़ती है भाई स्टेयरिंग व्हील पे, और जिसमें काफ़ी मोनोटाइज करके लिखा गया है कि SRS एयरबैग, ठीक है। इसे मालूम होता है भाई एक एयरबैग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एंड द सेकंड वन इज वो हमारे पास पैसेंजर सीट पर मौजूद है, ठीक है। ट्रिक पावर स्टीयरिंग मौजूद है एंड अगर और हमारे पास ये हमारे पास सिल्वर कलर हमारे पास स्टीयरिंग में यूज़ किया गया है। इसके इंटीरियर में हमारे पास आप देख सकते हैं कि तो सिल्वर कलर माइनर जो है यूज़ किया गया है, जो कि जो इंटीरियर की लुक को अपग्रेड कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ऑटोमेटिक कार है, दैट्स व्हाई जो हमारे पास गियर्स की शो किए जाते हैं वो हमारे पास सामने जो मीटर है उसमें शो किया जाता है, ठीक है। इस तरफ हमारे पास RPM मीटर एंड दैट्स द स्पीडोमीटर, इसकी जो हाई स्पीड है वो 240 किलोमीटर पर आवर है, आप चेक कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास है इसकी फ्यूल नीडल साइड पे मौजूद है एंड बुलेट हीट की इस साइड पे मौजूद है। तो अगर जो इसकी हमारे पास ट्रिप कंट्रोल है आप चेक करें, ट्रिप ए ट्रिप बी एंड दैट्स द टोटल माइलेज ऑफ दिस कार 41,232 किलोमीटर्स। एंड जो हमारे पास ट्रिप ये आप चेक करें, ट्रिप कंट्रोल हमारे पास ये है यहाँ पर, ठीक है। एंड इको इंडिकेटर्स मैसेजेस ओके हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास इस साइड में हमारे पास वॉल्यूम कंट्रोल मौजूद है। इसके अलावा हम अगर इसके डैशबोर्ड की तरफ बात करें तो टू टोन में हमारे पास डैशबोर्ड मौजूद है, ब्लैक कलर एंड पेज कलर इसे कहते हैं या स्किन कलर, ठीक है, दोनों कलर इसे कह सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ आ जाया जाए तो इंफोटेनमेंट सिस्टम हमारे पास एंड्रॉयड में इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है हमारे पास, इसमें आप लोग ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारे पास नो DVD स्पोर्टेड, ठीक है, नो वो ऑक्स वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ हमारे पास ब्लूटूथ मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे पास अगर क्लॉक देखी जाए तो आमतौर पर गाड़ियों के मीटर्स के अंदर क्लॉक होती है, लेकिन यहाँ पर हमें डैशबोर्ड के अंदर AC वेंट्स के मिनट में हमें क्लॉक जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एंड अगर हम इसके AC वेंट्स को देखें, ठीक है, लेफ्ट राइट में हमारे पास ये सर्कुलर में मौजूद है और डैशबोर्ड में हमारे पास बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने यहाँ पे दिया, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, इसके साथ ही हमारे पास पार्किंग लाइट्स मौजूद हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें AC की तो हमारे पास AC की थ्रो काफ़ी अच्छी है क्योंकि 1600 CC गाड़ी है और इसमें AC गर्मियों में भी शानदार चलता है। तो अगर हम ऑक्स हमारे पास यहाँ पर एक लहदा से मौजूद है चार्जिंग के लिए, दैट्स द चार्जिंग पोर्ट ऑफ दिस कार, ठीक है। और अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो हमारे पास अब चेक करें ऑटो हमारे पास गियर शिफ्ट मौजूद है, ABS मौजूद है, एंटी लॉक मौजूद है, चाइल्ड लॉक मौजूद है हमारे पास इस गाड़ी में। सेफ्टी फीचर्स हमारे पास टोयोटा में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, ठीक है। और रही बात हमारे पास साइड मिरर्स की, वो हमारे पास अंदर से एडजस्टेबल है, यू कैन सी यहाँ से हम लोग इनको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड
जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी इसके गियर शिफ्ट की, तो हमारे पास ऑटो गियर शिफ्ट हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा हमारे पास जो हैंड ब्रेक है वो हमारे पास ब्लैक कलर में मौजूद है, और इसके हमारे पास कप होल्डर्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट द स्टोरेज, एक छोटी स्टोरेज प्लेस। इसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पर डैशबोर्ड में स्टोरेज प्लेस मौजूद है। ये हमारे पास इस साइड पर थोड़ी सी स्टोरेज प्लेस मौजूद है, एंड यहाँ से हम लोग बोनट ओपन कर सकते हैं। यानी टोटली जो गाड़ी है वो ड्राइवर सुकून से बैठा हुआ कंफर्ट होके सब कुछ कर सकता है, ठीक है। एंड ये हमारे पास हेडरेस्ट मौजूद है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास छोटी सी स्टोरेज मौजूद है। और अगर हम बात करें इसके सीट्स की, ठीक है, कुशनिंग आप चेक कर सकते हैं। सोफा टाइप सीट है हमारे पास, और ये हमारे पास कंपनी फिटेड जो है वही फैब्रिक्स में आ रही है। आजकल हर गाड़ी में फैब्रिक्स में आ रही है, पहले लेदर में आती थी, तो इसकी काफ़ी अच्छी कुशनिंग की गई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम डोर्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास डोर्स में यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ किया गया है, बाकी सारा प्लास्टिक है। यहाँ पर सिल्वर कलर यूज़ किया गया है। ये हमारे पास पेज कलर मौजूद है, यानी स्किन कलर। और हमारे पास स्पीकर्स मौजूद हैं, ठीक है। कप यहाँ पर बोतल होल्डर मौजूद है, ये हम अपने फाइल्स वगैरह यहाँ पर कैरी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड दैट्स द हैंडल फॉर क्लोज एंड ओपन। ये हमारे पास स्पीकर्स जो हैं चारों दरवाज़ों में मौजूद हैं, चारों दरवाज़ों में दिए गए हैं, ठीक है। और चलें अब हम इसकी बैक साइड का व्यू करते हैं। ये हमारे पास आप देख चुके हैं सब कुछ, डोर ओपन है तो वो मीटर में शो हो रहा है कि आपका डोर ओपन है, ठीक है। एंड चलें अभी हम चलते हैं पीछे। ये अभी हम पीछे बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं ये सीट फुली पीछे है और काफ़ी जगह हमारे पास मौजूद है। हमारे पास पीछे वाले डोर्स में भी यहाँ पर सिल्वर कलर यूज़ किया गया है, स्किन कलर है, और ब्लैक कलर में हमारे पास ये फैब्रिक्स यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। डोर विंडोज़ ऑटो हैं, और ये हमारे पास बोतल होल्डर एंड स्टोरेज, और हमारे पास फाइव सीट बेल्ट्स मौजूद हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर कप होल्डर बोतल होल्डर मौजूद है, ठीक है। एंड अदर देन हम पीछे से अगर फुल गाड़ी को देखें तो काफ़ी वाइड गाड़ी है, ठीक है, और काफ़ी खुली गाड़ी है। हमारे पास पांच पर्संस जो हैं काफ़ी कंफर्ट होगी इसमें, लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ड्राइव जो भी है उसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम इसकी माइलेज के बारे में बात करें, तो 13 से 17 तक की माइलेज देती है, ठीक है, 13 शॉर्ट रूट पे और 16 लॉन्ग रूट पे, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से आती है। और अगर हम सीट्स के पीछे जो है हमें दिया गया, ठीक है, एंड सीट बेल्ट्स, एयर बैग्स, सब कुछ इसमें प्री इंस्टॉल आता है, ठीक है। चलें अभी हम इसके एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर में सबसे पहले हमारे पास इंजन आता है, तो इंजन के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारे पास 1600 cc इंजन है जो हमें 120 हॉर्स पावर और जो मिनिमम मैक्सिमम टॉर्क हमें प्रोवाइड करता है वो 154 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइट्स ऑफ दिस कार, यू कैन सी हेलोजन हेडलाइट्स, ठीक है, इंडिकेटर्स DRLs यहाँ पे दिए गए हैं हमारे पास, और पार्किंग लाइट्स हाई लो की अलहदा से हमें दी गई हैं, ठीक है। एंड बहुत ही स्लिम सी हमें जो है हेडलाइट्स प्रोवाइड की गई हैं इसमें। ये शेप जो है 2015 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी, और अब 2023 तक अभी यही है, कोई न्यू लॉन्च नहीं हुई है, ठीक है। कभी लाइट्स चेंज कर दी जाती हैं, कभी ग्रिल चेंज कर दी जाती है, कभी कुछ, एंड पूरी शेप नहीं चेंज हुई। अगर हम इसकी ग्रिल की बात करें, तो हमारे पास जो लाइट से शुरू होकर हमारे पास मौजूद है ये क्रोला का बड़ा सा लोगो, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पर एयर इनटेक जो कि बहुत ही छोटी उसमें प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा हमारे पास अगर नीचे देखा, तो हमारे पास इसमें फॉग लाइट्स प्री इंस्टॉल नहीं आती, ठीक है, वो करवानी पड़ती हैं। एंड दैट्स एयर इनटेक ऑफ दिस कार। ये हमारे पास छोटी काफ़ी बड़ी एक ब्लैक कलर में ग्रिल मौजूद है। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें, ये हमारे पास इसकी साइड प्रोफाइल है कार की, ठीक है। हमारे पास अलॉय रिम्स जो हैं, टायर्स का अगर हम साइज़ देखें तो 215 255 R16 के हमारे पास टायर्स डले हुए हैं। 16 इंचज़ के रिम है हमारे पास, जो कि सिल्वर एंड ब्लैकिश कलर में प्री इंस्टॉल आते हैं,
कंपनी फिटेड होते हैं, ठीक है, एंड दैट्स टोयोटा स्लोगो, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे डुअल बीबीटी आएगी बैजिंग, हमारे पास मैनुअल, ठीक है, एंड अगर हम डोर हैंडल्स की बात करें तो हमारे पास बॉडी कलर में मौजूद हैं, और ये हमारे पास इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई आ रही है कि इतनी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर हम इसके साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पास साइड इंडिकेटर्स में अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो हमारे पास साइड इंडिकेटर्स साइड मिरर्स के अंदर ही फिटेड होते हैं, बट वो थोड़ा से बाहर की तरफ बेंड किए जाते हैं। और हमारे पास जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर में मौजूद हैं, इसमें आप चेक कर सकते हैं इसकी हाइट, इसकी लेंथ एंड वेट ऑफ दिस कार। पीछे की तरफ आए तो हमारे पास टोयोटा मोनोग्राम, ठीक है, एंड टोयोटा अल्टिस, ये हमारे पास 1.6, ओके। अगर हम इसके ट्रंक की बात करें तो हमारे पास 470 लीटर का ट्रंक मौजूद है, जिसमें हमारे पास स्पेयर व्हील एंड टूल किट मौजूद है। इसके अलावा ये हमारे पास बहुत ही इसकी खूबसूरत बैक है, और आप लाइट्स चेक कर सकते हैं, हमारे पास बैक लाइट्स और इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट्स तमाम एक ही फ्रेम में मौजूद हैं। एंड बैक पे अगर हम देखें तो हमारे पास रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है यार। एंड ये था हमारा आज का रिव्यू टोयोटा अल्टिस के बारे में, ठीक है। ये हमारे पास जो नीचे पट्टी है ये बाद में इंस्टॉल करवाई गई है, ये पहले नहीं थी। एंड दैट्स द रिव्यू ऑफ करोला अल्टिस 1.6 जो हमारे पास 2019 मॉडल है। सो ये गाड़ी भी फॉर सेल है, मैं आपको बता चुका हूँ विंटेज कार्स पर, तो आप लोग इसका रिव्यू देखकर इनसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो अल्लाह हाफिज़।